सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं जैसे जो कि हमें दिए गए हैं, ये दो वेव्स हैं, ये कंबाइन होकर कुछ लिसाजिस फिगर्स बना रही हैं। ये दोनों साइनोसोइडल वेव एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। लिसाजिस फिगर्स क्या होते हैं? जब दो साइनोसोइडल वेव जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या राइट एंगल पे हैं, वो इंटरसेक्ट करती हैं आपस में और कुछ फिगर्स बनाती हैं, उनको लिसाजिस फिगर्स बोलते हैं। तो हमें मैच कराना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे हम। डी ऑप्शन में जो दिया गया ना कि एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बट फेज इज सेम फेज में है दोनों साइनोसोइडल वेव्स और उनका फेज डिफरेंस पाई बाय टू है, तो देख लेते हैं क्या एलिप्स शेप आती है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने पुट कर दी तीनों कंडीशंस जो ऑप्शन में दिए हैं और दोनों वेव्स की इक्वेशंस लिख ली। अब हमें पता है ए इज इक्वल टू बी है। अब हम क्या करते हैं, साइन को एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? ये आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया। अब हम इस को ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये सेकंड इक्वेशन लिखी आपने, आप ए टी लिख सकते हैं बी टी की जगह क्योंकि बी और ए बराबर है। तो साइन ए टी जो है क्या हो गया, वाई अपन बी, ठीक है? अब साइन ए टी की वैल्यू वाई अपन बी है तो कॉज ए टी की वैल्यू हमको इससे मिल जाएगी। कैसे? कॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन आइडेंटिटी पड़ी थी ना, तो कॉज थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, है ना? तो कॉज ए टी क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई का स्क्वायर अपन बी का स्क्वायर का रूट। करेक्ट है ना बच्चों, है ना? ये कॉज ए टी की वैल्यू हो गई। अब इसको पुट कर दो, जो आपकी इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें पुट कर दो। एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन ए टी की जगह वाई अपॉन बी कॉज डेल्टा प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डॉट साइन डेल्टा। करेक्ट? अब क्या हुआ, एक्स अपॉन ए दूसरी तरफ ले गए इसको तो माइनस में आ गया, वैसे का वैसे ही इक्वेशन। अब इसको स्क्वायर कर लेते क्योंकि हमको रूट का ये हटाना है, रूट को, तो स्क्वायर कर लिया और ये रूट हट गया, ठीक है? ये साइन का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ओके? अब ये जो अब आप इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x का स्क्वायर अपन a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपन b का स्क्वायर cos का स्क्वायर डेल माइनस टू एक्स वाई अपन ए बी कॉस डेल। करेक्ट? इज इक्वल टू, ये पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब देखो बच्चों, ये जो y का स्क्वायर ये हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर अपन a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपन b का स्क्वायर माइनस, ये तो ये पूरा टर्म जीरो है क्योंकि ये जो कॉज पाई बाय टू जीरो होता है, कॉज नाइनटी इजकल टू जीरो, ये वन है ना, क्योंकि डेल्टा की क्या है, पाई बाय टू, तो ये नाइनटी है तो साइन तो मैक्सिमम है। तो ये एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर क्या आ गया, इजकल टू वन। ये किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है ना? इसका मतलब हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट था। ये लिसाजिस फिगर कैसा मिलेगा, एलिप्स, मालूम है ना एलिप्स कैसा होता है, ऐसा इसे पूरे परफेक्ट नहीं बना।